Namaskar, मैं तरलादलाल बोल रही हूँ. We are going to bake today tawa rice. That's quick tawa rice, you can call it. It's very easy to make. जाड़ों के दिन, बारिश के दिन, जब कुछ तीखा खाने का मन हो जाए, एंड और वॉचिंग अ गुड टी वी प्रोग्राम, हॉट कप ऑफ सूप एंड अ गुड राइस, दिस इज आइडियल डिश टू मेक. बहुत जल्दी बनती है, वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स बस. पर एक चीज़ याद रखना चाहिए, अपना जो चावल है ना वो अलग रहना चाहिए, खिचड़ी नहीं चाहिए. वो कैसे करोगे आप, जब पानी बॉयल होता है तब चावल डालिए, और इट शुड बी 95% कुक्ड. बस उसको निकाल दीजिए और छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए, देन यू कैन मेक द राइस वेरी इजीली. पहले हम लहसुन और लाल मिर्ची की पेस्ट बनाएंगे. पर मिर्ची कैसी चाहिए, वो कश्मीरी, उसका कलर बहुत बढ़िया रहता है. तो कश्मीरी मिर्ची पहले लेंगे, फिर डालेंगे लहसुन और फिर बहुत थोड़ा सा पानी. इसको अच्छी तरह कूट लेंगे. ये देखो कूटने में प्रॉब्लम आएगा तो अपना वो है ना पाटे पर, ऐसे भी कूट सकते हो, फटाफट हो जाएगा. हाँ ये कूट रहा है, अच्छी तरह कूट रहा है. अपने चाहे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े, अभी इसको हम निकालेंगे. देखिए कैसा बन गया तैयार. पहले हम तेल डालेंगे, इसको गर्म होने दीजिए. ये चावल है ना बिरयानी से अलग है. बिरयानी अब केसर बादाम कितना बढ़िया बढ़िया मसाला आता है, इसमें कुछ बढ़िया मसाला नहीं है, पर येट इट इज़ वेरी टेस्टी. सो अपना तेल गर्म होने लगा, अभी हम डालेंगे प्याज. प्याज को अच्छी तरह होने दीजिए. अपना प्याज अभी तैयार हो गया. सो डालेंगे अपना कुटा हुआ मसाला. दिखाई दे रहा है ना आप सबको. अभी हम डालेंगे कैप्सिकम. कैप्सिकम को थोड़ा सा टाइम होने दीजिए और फिर क्या डालेंगे, टमाटर. इसको भी अच्छी तरह कुक होने दीजिए. और फिर हम डालेंगे हल्दी और दही. बन गया है कलरफुल मिक्सचर तैयार. बस अब फाइनली डालेंगे चावल. और नमक. अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर. देखो कैसा कलर लग रहा है, बढ़िया ना. और अपना चावल तैयार. ये बन गया अपना चावल. अभी इसे हम सर्व करें. कलरफुल टेस्टी एंड क्विक दिखता है ना, बढ़िया. अभी इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ भुरकाएंगे, पर चीज़ नहीं डालना तो मत डालिए. बहुत से लोगों को चीज़ पसंद है, पर बच्चे लोगों को चीज़ चाहिए चाहिए रहती है. बस हो गया अपना चावल तैयार, हो गया टेस्टी एंड गुड.